हाय हेलो नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक और नए ब्लॉग में। तो चलिए सबसे पहले ब्लॉग की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह उत्तराखंड पिथौरागढ़ के मुनस्यारी तहसील से, जो कि बहुत ही बढ़िया हिल स्टेशन है। अगर कभी मौका मिले तो विजिट जरूर कीजिएगा। तो आज सुबह सुबह का हमारा काम है, वहाँ पर देखिए चाचा और सूरज निकाल रहे हैं रेता, रिवाड़, बजरी जो भी बोलते हैं वो सारा सब कुछ। तो थोड़ा बहुत यहाँ हेल्प करते हैं, देखते हैं कितना रिवाड़ हम निकाल पाते हैं। तो लोगों ने देखिए थोड़ा बहुत वहाँ पे निकाल रखा है, थोड़ा किसी ने यहाँ पे निकाला है, थोड़ा किसी ने वहाँ पे निकाला है, थोड़ा किसी ने यहाँ पर निकाला है, और ये वाला चाचा और सूरज ने आज सुबह से निकाल रखा है। तो थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं ये निकालने में। वहाँ पर है डोरी, हाँ लिया डोरी भी। छेड़ होना तो अब सूरजमुखी जाएगा यहाँ से ऊपर वाले घर, और चाचा और मैं जाएंगे बाय रोड। चल फिर बाय, फटाफट जा। और भाई साहब आज तो कोहरे से ना पूरा अंधेरा हो गया। तो सुबह जैसे ही रिवाड़ निकाल के घर आ गए थे ना, बारिश शुरू हो गई थी। अब दिन का खाने का समय भी हो गया है, मम्मी खाना बना रहे हैं और नहाना धोना भी हो गया है। हेलो हेलो जी, क्या बना रहे हो आज खाने में? दाल भात रोटी। आप क्या खा रहे हो? बिस्कुट। बिस्कुट? तो मम्मी कह रही मैं बिस्किट खा रही हूँ और दाल बना रहे हैं। बात बड़ा है, दाल क्या खो? मिक्स, तो मिक्स दाल बना रहे हैं आज। तो यहाँ पे देखिए हमने दो कीवी की बेल लगाए थे, बट वो ना बढ़ नहीं रहे थे। तो फिर उसके बाद एक दिन पापा जी ने कहा कि इसके लिए तार बाड़ बनाते हैं जाली जैसा, तो वो बनाया। देन उसके बाद देखिए अब ये यहाँ से वहाँ तक फैल गया है, ऊपर कोने तक। तो इससे ये पता चलता है ना कि बिना सपोर्ट के ना काम उतना अच्छे से नहीं होता है। अगर हम इसको सपोर्ट नहीं देते ना, शायद ये इतनी जल्दी बढ़ता नहीं, और जैसे ही सपोर्ट दिया तो फटाफट से इसका बढ़ना शुरू हो गया। तो यहाँ पे देखो नेहा का काम चल रहा है हनुमान देखने का, लेटे लेटे। वाह भाई वाह, तकिया इसके लिए कम पड़ गए थे तो कंबल भी ऐसे ही डाल दिए हैं। बाकी मम्मी जो कह रही थी ना मैं बिस्किट खा रही हूँ करके, वो चावल की रोटी खा रही थी। खाली झूठ बोला, क्यों उस समय में बिस्किट खा रही हूँ? बिस्कुट कहाँ हूँ, बिस्कुट हो क्यों है भाई? तो कहो ना चावल रोट। मम्मी ने ना स्पेशली अपने लिए सूखा वाला रोटी बना रखा है, चावल का स्वाद बढ़िया होना है। वैसे ना जिसे मम्मी बिस्किट कह रही थी ना वो चावल की रोटी थी, तो छोटा सा मम्मी ने मुझे दिया था ना, तो स्वाद तो हो रहा था। मम्मी पता नहीं कहाँ गई, फिर खाने का मन हो रहा है मगर मम्मी पता नहीं कहाँ चले गए। मम्मी, ओ मम्मी, अजी है चावल रोट। तो मम्मी ना शायद जहाँ पे दो पकाते हैं वहाँ है, देखते हैं क्या कर रही है। चावल रोट अजी है कौन? तो मम्मी अभी पैर की सिखाई कर रही है, तो कह रही है पैर मत दिखा मेरा। हाँ चावल रोट अजी है, डाब में है। और मम्मी ना अपने पैर की सिखाई करते करते दो भी पका रहे। तो मम्मी कह रही है एक रोटी और है डब्बे में, देख के निकाल के खा ले। तो खा लेते हैं, वैसे स्वादिष्ट बहुत बढ़िया हो रहा है। ये है चावल की सूखी वाली रोटी, कितने प्रकार के बना देते ना। वैसे एक गीला गीला वाला जैसा बनाते हैं, ये सूखा सूखा वाला जैसा बनाया, तो ये बहुत बढ़िया हो रहा है। भाई साहब अभी तक ना नेहा को ये वाली रोटी अच्छी नहीं लग रही थी, और जैसे मैंने खाने शुरू की ना आधे से ज़्यादा खुद ने खा लिया, बट रोटी हो बहुत स्वादिष्ट रही है ना। तो काफ़ी देर हनुमान देखा, अब भूख बहुत ज़्यादा लग गई है, तो एक बार खाना खाते हैं। तो आज दिन के खाने में हमारा मिक्स दाल भात, और साथ में है गर्मा गर्म रोटी। सर कितनी भूख लगी है आपको? थोड़ी बहुत।
थोड़ी बहुत, तब तो आप शाम को ही खाओगे फिर। इतनी भी कम नहीं, ठीक अच्छा ठाक वाली लगी है। आप भी खा रहे भात? ना, मैं भात नहीं खा रहा, रोटी खाऊंगा, भात भी छोटा खाऊंगा मतलब। और है साथ में आम का अचार, जो कि नेहा का फेवरेट है। तो भात दाल के साथ साथ ना आज बैंगन की सब्जी भी है, जो कि हमारे पॉली हाउस की ही है। तो ज़्यादातर ना दिन के खाने में हम भात दाल और रोटी भी खाते हैं, अच्छा लगता है मतलब। बचपन से ना जब भी ये बैंगन की सब्जी बनाते थे ना घर में, तो ये वाला हिस्सा मेरे को बहुत अच्छा लगता था, तना जैसा होता ना, तो ये वाला खाने में बहुत अच्छा लगता था। तो आज भी मैं वही वाला हिस्सा खा रहा हूँ। तो सूरजमुखी आया है छाता लेकर, क्योंकि अभी कोई छाता मांग के ले गए थे ना, तो वो छाता लेकर आया है। ये खलण का डेग भी ले जाना है भाई घर, मतलब बाल्टी छोटा वाला। ठीक है वो है चल फिर। पलाम है पेचकस, क्यों, वो नाट का सीन है कौन सा नाट का सर है? जिससे ना ऐसा वाला ना, जैसे इतना छोटा वाला तो नहीं है रे भाई। तो फिलहाल अभी सूरज और मैं जा रहे हैं ऊपर को, और सूरज ने पकड़ा हुआ है खलण वाली बाल्टी। बारिश कंटिन्यू है भाई साहब। यहाँ पे देखिए मडुए के खेत में भालू ने ऐसा गोल घेरा जैसा बना रखा है। और मडुआ ना भालू का फेवरेट होता है। मडुआ हो गया, मेल हो गया, और शहद हो गया, और मक्के हो गए, तो ये खाने के लिए भालू जो है आजकल गांव की ओर आ जाते हैं। तो अब थोड़े दिनों ना भालू का आतंक कुछ ऐसे ही रहेगा, कभी किसी के खेतों को नष्ट कर देगा, कभी किसी के खेतों का जो मडुआ है वो नष्ट कर देगा। तो कुछ ऐसी प्रक्रिया अब थोड़ी दिन चलते रहेगी। आज देखो चारों ओर पूरा कोहरा लगा हुआ है, सामने का कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखो बस वहाँ कुछ बहुत घर दिखाई दे रहे हैं, बाकी पूरा चारों ओर कोहरा लगा हुआ है। और आज तो ना सुबह से बारिश कंटिन्यू है मतलब। और अब हम भी पहुँचने वाले हैं ऊपर वाले घर, सूरज ने अपनी छाता में छेद कर रखा है। तो फिलहाल ना अभी ऊपर वाले घर में लगभग 1.5-2 घंटे हमने आराम किया और खूब सारी बातचीत भी की। बाहर अभी भी बारिश हो रही है यार। तो ये देखिए जो घास में ये पानी जमा हुआ है ना, इसको बोलते हैं ओस। जब भी महिलाएं खेतों में जाते हैं ना घास काटने के लिए, तो बारिश से ज्यादा तो वो ओस से भीग जाते हैं, क्योंकि बारिश से बचने के लिए तो वो प्लास्टिक का उपयोग कर लेते हैं, मगर जो ये ओस होता है ना, ये जमीन में हुई रहती है घास में, तो इससे वो ज़्यादा भीग जाते हैं। तो आजकल देखिए सीमेंटेड रास्ते हैं, मगर जब हम बचपन में स्कूल जाया करते थे ना, यहाँ का घास और यहाँ का घास पकड़ के ऐसे बांध देते थे, तो हमें लगता था कि कोई ना कोई इसमें गिर जाएगा। तो ऐसे घास को बांधने से कोई गिरे ना गिरे, मगर बड़े बुजुर्गों से गाली बहुत ज़्यादा मिलती थी, गाली मतलब डांट बहुत ज़्यादा मिलती थी, और फिर भी हम लोगों को अकल नहीं आती थी, और ऐसे उठपटांग काम खूब किया करते थे। तो भाई काफ़ी देर बैठे रहे देवीलाल लोगों के घर, और चाची देखो घास काट के आए गए। ओहो चाची खत खत हो भाई आगा तमी। तो देवीलाल जाने वाला था आज हल्द्वानी, मगर ज़्यादा बारिश आने की वजह से ना इनका आज का प्लान कैंसिल हो गया है। अब ये लोग जाने वाले हैं कल। देवीलाल चाहे धूप आए बारिश आए, कल तो जाना ही है ना। हैं तो देवीलाल कह रहा है अगर कल तूफान भी आएगा तो भी हमने जाना ही है घर के। तो थोड़ी देर भाई लोगों के साथ बैठा, देन अब शाम हो चली है, तो घर की ओर जाते हैं आराम आराम से। बारिश तो भाई साहब क्या ही कहें यार, मतलब ना सुबह से नॉन स्टॉप हुए जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं है, मतलब देखते हैं ये बारिश कब तक रुकती है। अगर ऐसी बारिश रही ना तो हमारे यहाँ को लाइट भी चली जाती है। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल आज के इस ब्लॉग में इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
हो सके तो अपने यार दोस्तों में भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले ब्लॉग में, तब तक ध्यान रखें अपना और अपने परिवार का। जय हिंद, वंदे मातरम।